अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल डिश चिकन कढ़ाई। बहुत ही आसानी से बनता है, ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, मैंने 1.25 किलो चिकन को अच्छे से धोकर साफ करके ले ली हूँ। चले अभी हम इसे बनाते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी हूँ, अभी हम इसमें डालेंगे तेल। अभी हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच काली मिरी और 3 लौंग। साथ में हम चिकन को भी डाल देंगे। चिकन को हमें 5 मिनट के लिए भून लेंगे। पाँच मिनट चिकन भूनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अभी डालेंगे 3 हरी मिर्ची, तो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट दी हूँ। और इसमें डालेंगे अभी हम टमाटर। 1 टमाटर के मैंने 2 पीस कर दी हूँ। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और 6-7 मिनट के लिए हम बारीक आंच पे इसे पकने देंगे। देखिए 7-8 मिनट पक चुका है, अभी हम इसे चेक करेंगे। टमाटर देखिए गल चुके हैं, अभी हम इसके ऊपर का छिलका निकाल लेंगे। टमाटर का जितना हो सके हमने छिलका निकाल लिए हैं। अभी हम टमाटर को चम्मच की मदद से अच्छे से घोट देंगे। चम्मच की मदद से हमने टमाटर को अच्छे से घोट दिए। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और इसमें डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ताकि हमारे चिकन कढ़ाई का कलर अच्छा आए। 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिरी पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके ऊपर अभी हम ढक्कन ढककर 5-6 मिनट के लिए बारीक आंच पे ही पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे चेक करेंगे। देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही और दही को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दही अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर। कोथमीर डालकर हम अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह, देखिए चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना चिकन कढ़ाई कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।